हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सादा तरीके से मैं लड्डू गोपाल की हर रोज़ सेवा करती हूँ और वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। रात्रि का समय है, लड्डू गोपाल को मैंने भोजन का भोग लगा दिया है। उसके बाद में अब मैं इनको शयन कराऊँगी, तो मैं पहले लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही फिर मैं इनको शयन कराऊँगी। तो लड्डू गोपाल की जो मालिश है वो मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ, जिस प्रकार मुझे समय होता है मैं तब लड्डू गोपाल की मालिश कर देती हूँ और इनके हाथ पैर दबाकर, हर रोज़ ही इनके हाथ पैर दबाती हूँ और तब इनको शयन कराती हूँ। अगर बच्चे जैसे सुलाते हैं तो वो हल्के हल्के हाथों से कभी कभी इनके हाथ पैर दबा देते हैं और कभी तो ऐसे ही सुला देते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और उसी प्रकार जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत ही आसान है लड्डू गोपाल की सेवा करना। जिन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम है लड्डू गोपाल की सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सेवा करना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर वरण डालिएगा, एक साथ से ज़्यादा उनकी सेवा शुरू ना करें। क्योंकि होता क्या है, पहले तो आप शौक में देखा देखी लड्डू गोपाल की काफ़ी सेवा करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको वो सारी चीज़ें बोझ लगने लग जाती हैं, तो ऐसा कतई ना करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर दूध का भोग लगा दिया है और उसके बाद जो उन्होंने हैवी ड्रेस अगर पहने हुए हैं तो आप उनको उतार दीजिएगा, जिससे उनको शयन करने में कोई दिक्कत ना हो, उनको चुभे ना। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की ज्वेलरी भी उतार दी है, बस हाथों में नजरिया पहने रखेंगे ये और तुलसी माला पहने रखेंगे। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही इनके वस्त्र चेंज कर दिए थे भोग लगाने के बाद में ही, क्योंकि लड्डू गोपाल गर्मी ज़्यादा थी आज और मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो सोचा कि लड्डू गोपाल को भी गर्मी ज़्यादा लग रही होगी, तो मैंने इनको वस्त्र पहले ही चेंज कर दिए। और देखिए, लड्डू गोपाल की हमें किस चीज़ से मालिश करनी चाहिए, काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होता है, उनको नहीं पता होता है, पर हर लोग लड्डू गोपाल की मालिश नहीं करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर लड्डू गोपाल की मालिश करने के लिए गाय का घी ले सकते हैं या आप इत्र से मालिश करें तो वो बहुत अच्छा है। लड्डू गोपाल की इत्र से ही मालिश वैसे की जाती है अधिकतर। अगर आपको इत्र नहीं पसंद है, किसी किसी को उसकी खुशबू नहीं पसंद होती है, एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, छींक आने लग जाती हैं, तो आप उस समय में आप लड्डू गोपाल के लिए गाय के घी का इस्तेमाल करके उनकी मालिश कर सकते हैं। देखिए, हमें लड्डू गोपाल की जो मालिश करनी है वो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करनी है, और अगर आपने ऐसी अंगूठियां पहन रखी हैं लड्डू गोपाल के जो चुभेंगी, तो आप प्लीज़ उनको पहले उतार दीजिएगा, उसके बाद ही लड्डू गोपाल की मालिश कीजिएगा। तो मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल बहुत नन्हे से हैं, बहुत छोटे से हैं, ना तो इनकी मालिश करने में आती है और ना ही इनको वस्त्र पहनाने में आते हैं, और ना ही इनका सिंगार भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, पर मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल क्यूट बहुत लगते हैं, सच बताऊँ मुझे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो और इनकी छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी पोशाकें बनाती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत होती है, पर जब पहन के ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लगते हैं लड्डू गोपाल। तो इस तरीके से मैंने इनको दूध का भोग लगा करके और इनको मालिश कर दी है थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से। अब इनके हाथ पैर दबाकर इनको शयन करा दूँगी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना सरल है, कितना ईजी है। आप सभी प्यार के साथ लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकते हैं। आपके पास दो लड्डू गोपाल हैं, एक लड्डू गोपाल हैं, आप जितने मर्जी आए लड्डू गोपाल आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि सेवा जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल की पहले करते आ रहे थे, आप उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते रहेंगे। अगर आपको नए लड्डू गोपाल लाने हैं, बड़े लाने हैं, छोटे लाने हैं, अथवा जैसे भी लाने हैं आप ला सकते हैं, पर लड्डू गोपाल जो आपके घर में पहले से विराजमान हैं उनकी सेवा में कोई कमी ना आने को हो। बस जिस प्रकार आप उनको भोग लगाते हो, स्नान कराते हो, नए नए वस्त्र पहनाते हो, उसी प्रकार उनकी सेवा करते रहें।
आपको कहीं भी लड्डू गोपाल इधर उधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार बहुत ही आसानी से, सरलता से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल मेरे पास ये दो कैसे हैं मैं आपको आज बताती हूँ। मेरे ये छोटे वाले जो लाला हैं ये मेरी मम्मी ने दिए थे, और ये जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं लास्ट ईयर दिवाली पे मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे। तो मैं दोनों ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बड़े लड्डू गोपाल आ जाने पर मैं छोटे वाले की सेवा ना करूँ। पहले हालांकि मैं छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उसके बाद ही मैं बड़े लाला को भोग भी लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं पहले जो सेवा है मेरी वो बड़े वाले लड्डू गोपाल की है। मेरे यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जब से आए हैं तब से मैं इनकी बहुत ही भाव के साथ सेवा करती हूँ। और मुझे ये मेरी सासू माँ ने दिए थे छोटे बड़े वाले लाला। तो और ये छोटे वाले जो हैं ये मेरे पास काफ़ी साल से हैं, लगभग इनको 12 साल हो गए होंगे मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल को। पर मैं पहले, जैसे आप लोगों को पता नहीं था, मैं इनको स्नान कराती थी, वस्त्र पहनाती थी, और जैसे जब हमने कुछ अच्छा सा भोजन बनाया है उसका भोग लगा दिया, और अदरवाइज़ मैं इतनी ही सेवा करती थी और बाकी की सेवा नहीं करती थी। पर जब जब जैसे जैसे मैंने लोगों से सुना, मैंने फ़ोन पर देखा, तो मेरे मन में भी भक्ति का भाव जागा। मैं भागवत सुनना शुरू किया, भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि भक्ति आखिर क्या है, भक्ति के मार्ग पे चलना कितना सरल है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। मैंने एक साथ सेवा नहीं शुरू की है, पहले इनको सुबह मॉर्निंग में ही सिर्फ स्नान करा के, वस्त्र बना करके भोग लगाती थी। उसके बाद में फिर मैंने जैसे दोपहर में हमने फ्रूट्स वगैरह बनाए हैं, काटे हैं, उनका भोग लगा देती थी। जो भी घर में होता था सुबह पूजा के बाद भोग लगाती थी। उसके बाद जो भोजन हमने अपने लिए बनाया होता था दोपहर में या मॉर्निंग में, उसका मैं भोग लगाती थी बगैर लहसुन प्याज का। मैंने कभी भी लहसुन प्याज के बने हुए भोजन का भोग नहीं लगाया है, और ना ही मैं कभी आगे लगाऊँगी, क्योंकि वो हमें लड्डू गोपाल को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना होता है। अधिकतर कोशिश करती हूँ मैं कि लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही चीज़ बनाऊँ और उसी का भोग लगाऊँ। बाहर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में नहीं बना सकते हैं, उनका ही भोग मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर की चीज़ों का कम ही भोग उनको लगाया जाए। तो बड़े वाले लड्डू गोपाल की भी मैंने मालिश करके और उनके हाथ पर दबा करके मैं इनको भी बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही प्यार भाव के साथ इनको सुला दूँगी। मेरे दोनों ही लाला बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं इनको काफ़ी सारा लाड़ दुलार करती हूँ, और जो वीडियो में दिखता है वही रियल है। ये नहीं है कि सिर्फ कैमरे के सामने मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, बाकी का पीछे नहीं है। जब मेरे पीरियड्स आते हैं उस समय में मेरे बच्चे सेवा करते हैं, जितनी भी हो जाती है कोशिश करते हैं मेरे बच्चे सेवा करने की, और मेरे हस्बैंड करते हैं। तो यही मैं नहीं करती हूँ पीरियड टाइम पर सेवा लड्डू गोपाल की, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। मैं तो इस भाव से, चाहे तो मैं इनको अपना बेटा मानूँ, चाहे सखा मानूँ, चाहे भाई मानूँ, चाहे पुत्र मानूँ, जो भी मानती हूँ, पर हैं एक ये भगवान ही। मैं सबसे पहला दर्जा जो देती हूँ वो है भगवान। उसके बाद मेरा रिश्ता जो भी इन्होंने मैंने इनसे बनाया है उस रिश्ते से इनकी सेवा अर्चना करती हूँ। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया है, और इस तरीके से मैं इनके पिलो या कुशन लगा दूँगी जिससे ये इधर उधर हिले डुले ना, गिरे ना। क्योंकि जैसा मेरा भाव है मैं आपको वैसा बता रही हूँ। और आप किस भाव से सेवा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गर्मी है, अधिक ज़्यादा है, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल को ये चुनरी ले ली है मैंने। काफ़ी दिनों से मैं इसी को उड़ा रही हूँ, पर जब तीसरे दिन या चौथे दिन, और नहीं तो मैं हफ्ते में एक बार लड्डू गोपाल की बेड की बेड शीट चेंज करती हूँ, और इस तरीके से इनसे प्रार्थना करती हूँ, लड्डू गोपाल मैंने आपकी मालिश कर दी है, अब आप अच्छे से आराम से अपनी नींद पूरी करो और सो जाओ, सुबह मिलते हैं शुभरात्रि। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ लड्डू गोपाल की रात्रि में सेवा करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को लड्डू गोपाल की हमारी सेवा कैसी लगी। बहुत आसान है लड्डू गोपाल की सेवा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।